जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? ठीक ठाक? क्या हाल चाल है आपके? मैं आशा करता हूं बेटा तुम सभी अच्छे होगे। तो बेटा हम अपनी सीरीज के लेक्चर नंबर 5 में आ चुके हैं और सर हम लेक्चर नंबर 5 में विजेता बैच के अंदर, कहां बेटा, हम विजेता बैच के अंदर अकाउंट्स पढ़ रहे थे और अकाउंट्स में सर हम क्या कर रहे थे, चैप्टर नंबर 1 और फंडामेंटल उसके क्या कर रहे थे बेटा, एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहे थे। और सर हमने पहले 4 लेक्चर कवर कर लिए हैं। कितने कर लिए बेटा? इस एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज के हमने 4 लेक्चर कवर कर लिए हैं और आ चुके हैं बेटा आज हम लेक्चर नंबर 5 के साथ। और फिर कंटिन्यू करते हैं, क्या करते हैं बेटा, कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से एक बार सारे बच्चे आ जाओ और क्या कर दो, इसको शेयर कर दो। जल्दी से आ जाओ भाई और अपने दोस्तों को बुला लो, जल्दी से जल्दी आओ। ठीक है, तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 5। और बेटा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अपना अंदर का सिर जगाते हैं एक शायरी के साथ। देखो बेटा शायरी में क्या बोला, दोस्त मायूस मत होना जिंदगी से। क्या बोला बेटा? दोस्त मायूस मत होना अपनी जिंदगी से, तू अपना कभी भी नाम बदल सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। ठीक है बेटा, तो हम अपनी स्टार्ट करते हैं सीरीज को। और हम क्या कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में करते हैं बेटा कंटिन्यू। ठीक है, एक बार शेयर कर दो, सभी बच्चों को बुला लो जल्दी से जल्दी, बता दो एक बार भाई उनको एक बार। देखो बेटा जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो सर लास्ट लेक्चर हमारा चल रहा था क्वेश्चन नंबर 18। किस पर चल रहा था बेटा? क्वेश्चन नंबर 18 पर चल रहा था। और क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या बोला बेटा, ध्यान से समझो, जरा पढ़ लेते हैं सर एक बार क्वेश्चन, क्या कर लेते हैं क्वेश्चन को सर एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ने बोला क्या है, देखो बेटा कोई ऋषि इज ए पार्टनर, कौन है बेटा, कोई ऋषि है एक फर्म में जो कि पार्टनर है। ही विड्रो द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सर वो क्या करता है, वो अलग अलग अमाउंट से ड्रॉइंग करता है और उसने स्टार्ट करा बेटा ड्रॉइंग करना। कैसे स्टार्ट करा बेटा, उसने 1 मई 2019 को सर पहली ड्रॉइंग करी और कितने की बेटा, ₹12,000 की। फिर उसने बोला बेटा 31 जुलाई 2019 को सर उसने फिर दोबारा से ड्रॉइंग करी और कितने की करी बेटा ड्रॉइंग, ₹6,000। और फिर उसने फिर ड्रॉइंग करी सर 30 सितंबर 2019 को 9,000 की, बेटा 30 नवंबर 2019 12,000 की, 1 जनवरी 2020 को बेटा 8,000 की और 31 मार्च 2020 को 7,000 की। क्वेश्चन ने बोल दिया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज, हमको सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है एट द रेट 9% पर एनम। और बोल दिया आगे कैलकुलेट करें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बेटा मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम केवल 2 टाइप से क्या करते हैं बेटा, कैलकुलेट करते हैं। एक होता है हमारा सिंपल मेथड और एक क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट मेथड। सर आपने हमको बता दिया था कि सिंपल मेथड से सर कैसे पहचानेंगे और प्रोडक्ट मेथड से हम कैसे पहचानेंगे। सिंपल मेथड में सीधा था कि अगर सर ड्रॉइंग हुई है, क्या हुई है बेटा, अगर ड्रॉइंग हुई है सेम अमाउंट से सेम डेट पर, और कैसे ड्रॉइंग हो रही है बेटा, कंटिन्यूअसली ड्रॉइंग हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड सिंपल मेथड। सर वहां पर ड्रॉइंग हो रही है किस मेथड के अंदर, सिंपल मेथड के अंदर। अगर सर उससे अलग हटके, अगर उसके अदरवाइज है, तो वो कौन सा मेथड होगा हमारा, प्रोडक्ट मेथड होगा। तो सर यहां पर सेम अमाउंट से सेम डेट पर कंटिन्यूअसली ड्रॉइंग तो नहीं हो रही है, तो बेटा ये हमारा सिंपल मेथड तो नहीं होगा, कौन सा मेथड होगा बेटा, प्रोडक्ट मेथड होगा। और प्रोडक्ट मेथड में बेटा हम जानते हैं, हम क्या निकालते हैं सर, हम फॉर्मूला जानते हैं, प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन परसेंटेज इनटू क्या करते हैं बेटा, रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। और क्या निकाल लेते हैं हम सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो सर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे। और सर इसकी एक प्रोसेस होती है, क्या प्रोसेस होती है सर, कि वहां पर अलग अलग डेट में अलग अलग क्या की गई है बेटा, ड्रॉइंग की गई है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सर, सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, ईयर लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, ईयर, या फिर क्या लिखेंगे, डेट लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा, कौन सी डेट में कौन सी ईयर में कितना ड्रॉइंग की है। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं बेटा, अमाउंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अमाउंट। और सर उसके बाद लिखते हैं हम टाइम, क्या लिखते हैं, टाइम। और उसके बाद हम लास्ट में निकालते हैं बेटा टोटल प्रोडक्ट, क्या निकालते हैं, टोटल
टोटल प्रोडक्ट निकालते हैं, और प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं सर, अमाउंट क्या निकालते हैं, अमाउंट में अगर हम इनटू कर दें क्या बेटा टाइम, तो दैट इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है नहीं आपके? अब देखो बेटा उसने कहां से स्टार्ट कराया, सर उसने सबसे पहली जो ड्रॉइंग करी है 1 मई 2019 को करी है। कब करी है बेटा, 1 मई 2019 को करी है, और बेटा कितने की करी है, ₹12,000 सर 12,000 की करी है। फिर उसने ड्राइंग बेटा कब करी है, 31 जुलाई, कब करी है बेटा 31 जुलाई 2019 में की है सर, और कितने की करी है सर, ₹6,000, कितने की करी है सर, 6,000 की करी है। और फिर उसने सर 30 सितंबर 2019 कब करी है बेटा, 30 सितंबर 2019 में करी है, और कितने की ड्राइंग करी है बेटा, ₹9,000 की करी है, कितने की करी है बेटा 9,000। और फिर करी है 30 नवंबर, कब करी है बेटा 30 नवंबर 2019 में करी है सर, और कितने की करी है, वो करी है सर 12,000, कितने की करी है 12,000 की करी है। और फिर करी है 1 जनवरी 2020, कब करी है बेटा 1 जनवरी 2020 में करी है, और कितने की करी है बेटा ₹8,000, कितने की करी है बेटा 8,000 की ड्राइंग करी है। और फिर 31 मार्च 2020 सर लास्ट की ड्राइंग उसने करी है 31 मार्च 2020 को, कब करी है 31 मार्च 2020। तो बेटा इसको भी लिख लेते हैं 31 मार्च 2020। और बेटा कितनी करी है उसने, 7,000 की करी है, कितनी की करी है 7,000 की। आती है बात आपकी समझ में? और सर हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज करना है ना, वो कितने से करना है, 9% से करना है, कितने से करना है बेटा 9% से करना है। आती है बात आपको समझ में? जल्दी से एक बार हाँ ना बोलो। अब हम क्या निकाल लेते हैं सर, इनका टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं टाइम पीरियड वाला। ध्यान दो बेटा टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, ध्यान सुनो बेटा, उसने फर्स्ट ड्राइंग यहां पर करी थी, फिर सर सेकंड ड्राइंग यहां पर करी थी, फिर थर्ड ड्राइंग यहां की है, फोर्थ यहां पर की है बेटा, फिफ्थ यहां पर करी है, और लास्ट में कब करी है बेटा 31 मार्च 2020 को करी है, कब करी है बेटा 31 मार्च 2020। तो बेटा जो हमने जहां से स्टार्ट करी है और जहां पर हमने क्या करा है, एंड करा है, जहां पर सर हमने स्टार्ट करी है और जहां पर एंड करा है, उस टाइम पीरियड के दौरान कितना टाइम है, उस टाइम को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो देखो बेटा 1 मई 2019 कब करिए बेटा, 1 मई को करिए है, और लास्ट में कब तक करेंगे हम 31 मार्च, कब करिए बेटा 31 मार्च 2020 तक करिए। आ रही बात समझ में भाई बच्चों? तो देखो बेटा कैलकुलेट करते हैं कितने मंथ बैठते हैं बेटा, 1 मई को करिए, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सर कितने दिन के लिए करिए, 11 महीने के लिए करिए, कितने के लिए करिए बेटा 11th month। आपको बात समझ में आती है? यस सर बिल्कुल हमको बात समझ में आई है। फिर उसने सर दूसरी ड्राइंग कब करी है, 31 जुलाई कब करी है बेटा, 31 जुलाई को करी है, और कहां तक करी है 31 मार्च 2020। तो बेटा जुलाई से करिए 31 जुलाई को, सर जुलाई तो पूरा निकल गया, फिर कहां से स्टार्ट करेंगे सर, जून से करेंगे, तो जुलाई निकल गया तो कहां से करेंगे सर, अगस्त से करेंगे, क्या कब से करेंगे अगस्त, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो गए बेटा 8 महीने हुए, कितने महीने हुए बेटा, आपको सबको समझ में आ रही है ना, जल्दी से बताओ एक बार, कितने महीने हुए बेटा 8 महीने हुए, कितने हुए 8 महीने। फिर कब करिए उसने सर, 30 सितंबर को करिए, कब करिए 13 सितंबर, तो सितंबर तो पूरा गया बेटा, क्या गया सितंबर, तो सर पूरा गया, सितंबर के बाद करते हैं हम कैलकुलेट, तो पूरा मार्च तक कितने दिन बचेंगे बेटा, पूरे सर 6 महीने बचेंगे, कितने बचेंगे 6 महीने। फिर कब करिए बेटा उसने, 30 नवंबर को, तो नवंबर से बेटा मार्च तक, मतलब नवंबर तो सर पूरा गया, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सर कितने महीने बचेंगे जल्दी से बोलो, 4 महीने बचेंगे सर, कितने बचेंगे 4 महीने, 4 मंथ, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा 1 जनवरी, तो जनवरी फरवरी मार्च सर 3 महीने बचेंगे, और लास्ट में सर उसने क्या करा है 31 मार्च को, तो कितने महीने बचा बेटा 0। बात आपके समझ में आई है भाई टाइम टेबल वाली, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं सर, हमको टोटल प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है बेटा? टोटल प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं, अमाउंट इनटू टाइम कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? अमाउंट इनटू टाइम पीरियड। तो करते हैं बेटा जरा 12000 में सर हम 11 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर कैलकुलेट कर लेते हैं सर, एक साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं, 12000 मल्टीप्लाई बाई 11। तो जरा कैलकुलेटर से करते हैं बेटा कितना हुआ, जरा देखते हैं 12000 11, तो ये हुआ बेटा 132000। कितना हुआ? 1,32,000, 1,32,000। अगर सर हम 8 8 6 48, सर कितना हुआ? 48,000, 48,000 हुआ। फिर कितना हुआ? 9 6 54, कितना हुआ बेटा? 54,000 रुपए हुआ, 54,000 हुआ। फिर 12 चौक बेटा 48, कितना हुआ बेटा? 48,000 हुआ। फिर कितना हुआ? 8 3 24,000 हुआ, सर कितना हुआ? 24,000। और बेटा ये कितना हो गया लास्ट में? 0। इसका हम क्या कर लेते हैं सर, टोटल निकाल लेते हैं। सर टोटल निकालते हैं, कैसे निकालेंगे जल्दी से जल्दी करें। देखो 1,32,000, तो यहां पर ऐड करेंगे भाई, भाई बैक टू बैक लिखते हैं सर एक सीरीज में। कैसे सर? 1,32,000 प्लस कितना करना है सर हमको? 48,000, 48,000, 54,000, 54,000। फिर कितना हुआ बेटा? फिर से 48,000 हुआ बेटा। फिर उसके बाद कितना हुआ? 24,000, 24,000 हुआ। कैलकुलेट करते हैं सर, पीछे से 3 और 0 क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। अब देखो बेटा 8 और 2 10 और 4 14, 14 और 8 बेटा कितना हुआ? 22 और 4 कितना हुआ? 26। 2 बेटा कितना हुआ? 3 और 2 5 और 4, 5 और 4 9, 9 और 5 14 और 4 18 और 2, 18 और 2 बेटा 20, 2 और 1 3 कितना हुआ बेटा? 3,06,000। कितना हुआ बेटा? 3,06,000 सर हमारा क्या आ गया? टोटल प्रोडक्ट आ गया। 3,06,000 हमारा टोटल प्रोडक्ट आ गया। और हमको सर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कितना है? 9% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? 9% है। आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जल्दी से एक बार हाँ ना बोल दो भाई सारे बच्चे, जल्दी से आ रही नहीं आ रही? तो हम क्या करेंगे सर, यहां पर कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं सर। वो कैसे करेंगे ध्यान समझो। अब हम जानते हैं सर, इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और सर हम इसका प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला जानते हैं। वो क्या होता है बेटा? वो होता है टोटल प्रोडक्ट। क्या होता है बेटा? टोटल प्रोडक्ट इनटू कितना होगा बेटा? जितना रेट दे रखा है कितने परसेंट से ड्रॉइंग चार्ज करनी है, अपॉन 100 इनटू 1/12। तो हमारे पास सर टोटल प्रोडक्ट आ गया 3,06,000 इनटू रेट कितना है बेटा? 9/100 इनटू 1/12 कितना आएगा बेटा? 1/12। इसको हम क्या करते हैं सर, कैलकुलेट करते हैं। जल्दी से कैलकुलेट करो एक बार, फिर मैं कैलकुलेट करके तुमको बताता हूं बेटा कितनी आएगी रेट इंटरेस्ट। जल्दी करो भाई, करें सर, करते हैं। देखो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, ठीक है। अब ये कितना हुआ बेटा, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0 6 54 और बेटा 9 3 27, ठीक है। अब ये कितना हुआ, 1/12। क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड बाई 12। तो बेटा 12 से काटेंगे, ये कितना हो गया? 12 2 24, इधर कितना बचा बेटा? 3, और फिर 12 2 24 यहां कितना था? 35। 35 में से 24 गया बेटा, कितना हो गया? ये हो गया, करो ना जल्दी से करो बेटा, कैलकुलेट करो। वैसे कितना हुआ ये, कितना टाइम जाएगा? फिर यहां पर कितना बचा बेटा? ये बचेगा 12 9 और बेटा 12 5 60 लास्ट में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गया बेटा कितना? 2,295, 2,295। बात आपके समझ में आई है? जल्दी से एक बार कमेंट कर दो सारे बच्चे, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से बताओ, हाना हाना बोल दो भाई एक बार, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है,
क्वेश्चन नंबर 19 द कैपिटल अकाउंट ऑफ मोली एंड गोलू. सर कैपिटल अकाउंट है मोली और गोलू का, सोड ए बैलेंस ऑफ रुपीज 40,000 20,000. उनकी कैपिटल है सर मोली की है 40,000 और गोलू की कितनी है बेटा 20,000. एज ऑन April 1st, 2019, they shared profit in the ratio of 3:2. सर उनके जो profit और losses है किस ratio में distribute होते हैं बेटा 3:2 में होते हैं. They allowed interest on capital. सर उनको interest on capital देना है at the rate 10% per annum and interest on drawing at the rate 12% per annum. और interest on drawing कितना charge करना है बेटा 12% per annum से. Golu advance a loan of rupees 10,000 to the firm on 1st August 2019. सर गोलू ने एडवांस दे दिया लोन का कितना 10,000 रुपए और कब दिया है बेटा 1 अगस्त 2019 को दिया है. द ड्यूरिंग द ईयर मोली विड्रो. सर पूरी साल के दौरान मोली ने क्या करा ड्रॉइंग करी रुपीज 1000 पर मंथ और कितना करा है बेटा 1000 हर महीने करा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ और कैसे करा है हर महीने के शुरू में करा है. वेयर एज गोलू विड्रो रुपीज पर 1000 पर मंथ. और सर गोलू भी किसी से कम नहीं खाता है. गोलू ने बोला अच्छा तू भी कर रहा है तो मैं भी करूंगा. उसने कितना करा है 1000 पर मंथ एट द एंड ऑफ. सर उसने बिगिनिंग में करा है और इसने किस में करा है हर महीने के एंड में करा है. प्रॉफिट फॉर द ईयर और क्या करा है बेटा पूरी साल के दौरान जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना है बिफोर द एवब मेंशनड एडजस्ट वाज रुपीज 20,950. प्रॉफिट जो हुआ है इन सबको देने से पहले का वो कितना है 20,950. आगे बोला है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. हमको क्या कैलकुलेट करना है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और हमको क्या करना है बेटा वो प्रॉफिट है ना वो जो डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसके बाद क्या बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है. बात आपकी समझ में आती है क्वेश्चन समझ में आया ना. मैंने आपको पहले बता रखा है पहले क्वेश्चन को पढ़ो फिर समझो फिर क्या कर दो बेटा छाप दो ठीक है. तो सर हम क्या करेंगे सबसे पहले बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का वर्किंग नोट. किसका बनाएंगे वर्किंग नोट बनाते हैं भाई वर्किंग नोट. और सर सारी बातें लगभग हम वर्किंग नोट में ही कर लेंगे फिर डायरेक्ट क्या करेंगे उस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. कहां पर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो सर वर्किंग नोट में सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. सर उन दोनों पार्टनर ने ड्राइंग की है गोलू और किसने बेटा मोली ने मोली एंड गोलू ठीक है. तो बेटा देखो मोली ने जो करी है ना तो बेटा उसने क्या करी है मोली ने ड्राइंग करी है तो मोली की ड्राइंग क्या बेटा मोली ड्राइंग. सर मोली ने ड्राइंग की है और सर मोली ने क्या बोला है कि वो हर महीने के शुरुआत में कितना निकालता है 1000 निकालता है. कितना निकालता है बेटा 1000 निकालता है. और गोलू भी कितना निकालता है बेटा हर महीने के शुरू में एंड में 1000 निकालता है. तो बेटा मोली ने जो ड्राइंग करी है वो सर 1000 करी है और हर महीने के शुरू में. अब ध्यान से सुनो बेटा मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है प्लेलिस्ट में जाओ विजेता बैच के अंदर वहां पर फंडामेंटल चैप्टर में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का लेक्चर खोलो और वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहां पर सर उसने हर महीने के जो मूल्य है ना वो हर महीने के बिगिनिंग में मतलब सर उसने पूरी साल ड्राइंग करी है और कैसे ड्राइंग करी है हर महीने के शुरुआत में वो 1000 निकालता है. तो उसने पूरी साल ड्राइंग करी होंगी और बेटा 1000 × 12 कितना हो जाएगा बेटा उसने टोटल ड्राइंग करी कितनी करी बेटा 12000 करी है. और फिर किसकी निकालते हैं बेटा गोलू की निकालते हैं. किसकी निकालते हैं गोलू टोटल ड्राइंग या फिर गोलू की ड्राइंग. क्या बेटा गोलू की ड्राइंग. सर गोलू क्या करता है 1000 निकालता है. अब ये तो सर हर महीने के शुरू में निकाल रहा था और गोलू क्या कर रहा है बेटा हर महीने के एंड में निकाल रहा है. गोलू क्या कर रहा है बेटा हर महीने के एंड में निकाल रहा है. तो इसने भी सर पूरी साल करी होंगी और गोलू की टोटल ड्राइंग कितनी आ गई सर 12000 आ गई. इतना सर हमको समझ में आता है. इतना हमको क्या आता है समझ में आता है
अब सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हमको पता है एक फॉर्मूला है, क्या है बेटा, एक फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूला को हमने क्या दे दिया है, नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया है बेटा, उसको हमने नाम दे दिया है एवरेज पीरियड, या फिर क्या नाम बोल देते हैं हम उसका, एवरेज मंथ बोल देते हैं। सर एक बार उस कॉन्सेप्ट को हमको समझा दीजिए रिवीजन में, और फिर हम इसको क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को पूरा खत्म कर लेंगे। देखो बेटा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं कि हम क्या करते हैं, पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं, पार्टनर्स क्या करते हैं बेटा, ड्राइंग करते हैं सर, मंथली करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, और कैसे करते हैं बेटा, ईयरली करते हैं, बोले तो सर हर हाफ ईयरली पे वो करते हैं। और बेटा बोर्ड में आपसे क्वेश्चन बोल देता है, हाफ ईयरली नहीं बोलेगा, बोल देगा इवनली, कैसे बोल देगा बेटा, इवनली बोल देगा। तो उसमें समझ जाना, जहां पर भी क्वेश्चन आपसे बोले ना इवनली ड्राइंग करिए, तो आप समझ जाना हर 6 महीने पर करिए, कितने पर करिए बेटा, हर 6 महीने पर करिए, बोले तो हाफ ईयरली के रूप में करिए। अभी हम क्या समझ रहे हैं सर, एवरेज पीरियड निकालना सीख रहे हैं, तो बेटा हम क्या करते हैं, एवरेज मंथ निकालते हैं, ध्यान समझना भाई बच्चों, हम क्या निकालते हैं, एवरेज मंथ निकालते हैं, और एवरेज मंथ का फॉर्मूला होता है बेटा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, क्या होता है बेटा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, बेटा कितना समय बचा है पहली ड्राइंग करने के बाद, और सर इसमें हम दूसरी बात प्लस कर दें क्या, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और लास्ट जो एंड में ड्राइंग करिए ना उसके बाद कितना टाइम बचा है, अगर हम ये दोनों बातें निकाल लें, और सर हम क्या कर दें, क्या कर दें, डिवाइड कर दें, कितने से सर 2 से डिवाइड कर दें, तो हमको क्या पता चल जाएगा, हमको सर पता चल जाएगा कि उसने एवरेज मंथ में कितनी ड्राइंग, समझ में आती है बात। अब सर इतना हमको पता है, और क्वेश्चन में बोला है हमसे कि सर जो गोलू और मोली है ना, उन्होंने, मोली ने तो हर महीने के शुरू में करी है, और गोलू ने हर महीने के कैसे करी है बेटा, एंड में, और एक केस और आता है इसमें, हर महीने के मिडिल में करेगा, कैसे करेगा बेटा, हर महीने के मिडिल में। तो सर हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा कॉन्सेप्ट सीधा सीधा ये है, आपको बातें रटनी नहीं है, आपको बातें क्या नहीं करनी बेटा, रटनी नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पर काम करना है, किस पर काम करना है, कॉन्सेप्ट पर काम करना है। तो बेटा कॉन्सेप्ट है सीधा सीधा कि उस क्या मोली ने सर पूरी साल ड्राइंग करी, कब करी बेटा, उस मोली ने पूरी साल ड्राइंग करी है, और सर कैसे करी होंगी, सर जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, और सर कहां पर लास्ट में करी होंगी, दिसंबर, ठीक है। अब देखो बेटा ये क्या था आपका जनवरी, ये क्या था बेटा फेब, ये क्या है मार्च है सर, ये अप्रैल, ठीक है, ये मई, ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और क्या बेटा दिसंबर। सर उसने ऐसे ड्राइंग करी होगी, और क्वेश्चन ने बोला है कि हर महीने के शुरू में, तो सर पहली ड्राइंग उसने 1 जनवरी को, फिर 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, 1 सितंबर को, 1 अक्टूबर को, 1 नवंबर को, और 1 दिसंबर को, ऐसे ड्राइंग करी होगी। और सर हमको फॉर्मूला यहां पर दिख रहा है, सर उसने 10,000 तो यहां निकालेंगे 1 जनवरी को, फिर 10,000 1 फरवरी को, सर 10,000 फिर 1 मार्च को निकाले होंगे, फिर 1 अप्रैल को निकाले होंगे सर उसने, फिर 1 मई को निकाले होंगे, फिर 1 जून को निकाले होंगे सर उसने, पूरी साल फिर लास्ट में कैसे निकाले होंगे, 1 दिसंबर को निकाले होंगे। अब सर आपने हमको फॉर्मूला बता रखा है कि सबसे पहली जो ड्राइंग करी है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, क्या करी है, जो फर्स्ट ड्राइंग करी है उसके बाद कितना समय बच रहा है, और बेटा आपको मैंने आपको बता दिया कि टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और जो लास्ट की ड्राइंग करी है उसके बाद कितना टाइम बच रहा है, डिवाइड बाई क्या कर दें बेटा, 2 कर दें, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज वन। तो कर देते हैं सर, उसने फर्स्ट ड्राइंग कब, सर उसने मोली ने फर्स्ट ड्राइंग कब करी है बेटा, 1 जनवरी को करी है सर, कब करी है, फर्स्ट ड्राइंग उसने फर्स्ट जनवरी को करी है, और सर लास्ट की ड्राइंग उसने कब करी है सर, लास्ट की ड्राइंग उसने सर 1 दिसंबर को करी है, कब करी है बेटा, उसने लास्ट ड्राइंग करी है 1 दिसंबर को, ऐसा ही तो हुआ है। ये दोनों बात हमको पता चल जाए और डिवाइड कर दे कि बेटा कितने से, 2 से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज मंथ। तो हम निकालेंगे बेटा एवरेज मंथ, क्या बेटा, एवरेज मंथ इज इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट
ड्रॉइंग, एक जनवरी के बाद कितना टाइम बच रहा है सर? पूरे 12 महीने बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं सर? पूरे 12 मंथ बच रहे हैं प्लस। और बेटा लास्ट ड्रॉइंग के बाद सर कितना टाइम बच रहा है? 30 डेज। बोले तो सर पूरा कितना बच रहा है? एक महीना बच रहा है। तो बेटा 12 मंथ प्लस एक मंथ कितना हो जाएगा बेटा? 12 प्लस एक और डिवाइड बाई हम क्या कर दे? 2। तो ये कितना हो गया बेटा? 13/2। बोले तो सर कितना हो गया? 6.5 मंथ आ गया सर उसका एवरेज मंथ। कितना आया बेटा? कि अगर आपसे सर पूछने लगे ना हर महीने के बिगनिंग में और एवरेज मंथ कितना आता है उसका, बेटा आता है 6.5 मंथ। उसने कितने महीने तक ड्रॉइंग करी होगी? 6.5 महीने ड्रॉइंग करी होगी। कितने बेटा? 6.5 मंथ। आपको बात समझ में आई है या नहीं आई जल्दी से बोल, हाँ ना बोलो। सर ये तो हो गया बिगनिंग वाला केस। कौन सा हो गया बेटा? बिगनिंग वाला। अब हमको सर कौन सा बताओ? मिडिल में। सर हर महीने के किस में करने लगे? वो मिडिल में करने लगे। हर महीने के कैसे करे? मिडिल में करे। तो बेटा उसका भी कॉन्सेप्ट है, उसका भी क्या है बेटा? उसका भी कॉन्सेप्ट है सर सेम एज होगा। क्या होगा? सेम एज होगा। पूरा चार्ट सर वही होगा। क्या होगा सर? पूरा चार्ट वही होगा। वो हर महीने के मिडिल में कर रहा होगा। तो बेटा उसने फर्स्ट ड्रॉइंग कब करी होगी सर? 15 जनवरी को करी होगी। और लास्ट की ड्रॉइंग कब करी होगी सर उसने? 15 दिसंबर को करी होगी। कब करी होगी बेटा? 15 जनवरी को फर्स्ट ड्रॉइंग करी होगी। और लास्ट की ड्रॉइंग कब करी होगी बेटा उसने? 15 दिसंबर। ऐसी सर हर महीने में करी होगी। ऐसी क्या करी होगी? हर महीने में, हर महीने के 15 तारीख में उसने क्या करी होगी? ड्रॉइंग करी होगी। तो बेटा मैंने आपसे बोला है कि एवरेज मंथ का फॉर्मूला होता है। क्या होता है बेटा? एवरेज मंथ का फॉर्मूला होता है कि वो टाइम निकाल लो जो फर्स्ट ड्राइंग। तो बेटा फर्स्ट ड्राइंग उसने कब करी है? 15 जनवरी को करी है। और सर लास्ट की ड्राइंग उसने कब करी है? 15 दिसंबर को करी है। तो बेटा टाइम लेफ्ट आफ्टर 15 जनवरी पूरे कितने बचे हैं सर? अगर हम सर 12 महीने में से आधा महीना काट दें तो पूरा कितना बचा है सर? 11.5 महीने बचे। कितने बचे बेटा? 11.5 प्लस। और सर लास्ट की ड्राइंग में कितने दिन? 15 दिन बचे हैं। बोले तो सर कितना बचा है? आधा महीना। बोले तो सर 0.5/2 ये कितना हो गया बेटा? 12/2। तो ये कितना हो गया सर? अगर सर हर महीने के मिडिल में आ जाए ना तो कितना कराया उसने? एवरेज मंथ 6 मंथ के लिए। कितने के लिए बेटा? 6 महीने के लिए। बात आपकी समझ में आती है या नहीं जल्दी बोलो, हाँ ना। ठीक है, अब बेटा लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया है मंथली में। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है? अगर सर वो हर महीने के कहां पर करता है? एंड में करता है। कहां पर करता है बेटा? हर महीने के एंड में करता है। तो उसका भी कर लेते हैं सर। हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस, बशर्ते मैं आपको मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे शेर हो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपको अकाउंट्स को सिंपल बनाना है ना तो कॉन्सेप्ट पर काम करने लग जाओ। अकाउंटेंसी इज सिंपल। अकाउंट्स क्या हो जाएगा बेटा? सिंपल हो जाएगा। अब देखो बेटा हर महीने के एंड में क्या कर रहा है बेटा? हर महीने के एंड में। तो बेटा जनवरी कब कर रहा होगा बेटा? 30 जनवरी। कब करा होगा बेटा? 30 जनवरी को करा होगा। और यहां पर कब करा होगा? 31 दिसंबर को करा होगा बेटा। कब करा होगा बेटा? यहां पर उसने फर्स्ट ड्राइंग कहां करी होगी? 30 जनवरी को करी होगी सर। और लास्ट की ड्राइंग कब करी होगी सर? 31 जनवरी को करी होगी। कब करी होगी बेटा? 31 दिसंबर। ये क्या हुई बेटा? उसकी लास्ट ड्राइंग हुई। किसकी हुई बेटा? लास्ट ड्राइंग सर, कोई भी पार्टनर हो। अब देखो बेटा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो हम क्या निकाल रहे हैं सर? एवरेज मंथ निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एवरेज मंथ। तो सर पहला पूरी साल में से एक महीना तो गायब हो गया है, तो पहली ड्रॉइंग के बाद 11 पूरे टाइम बच रहे हैं, 11 महीने। और वहां पर कितना बच रहा है बेटा? 0 बच रहा है, डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो गया? 11/12। और ये कितना? 11/2। और ये कितना बचा बेटा? 5.5 मंथ। आपको बात समझ में आई या नहीं आई? तीन बेटा मैंने आपको तीनों केस बता दिए। अगर कोई भी पार्टनर हर महीने के बिगनिंग में ड्राइंग करता है तो उसका एवरेज मंथ कितना आएगा? 6.5 मंथ के लिए। अगर कोई भी पार्टनर सर हर महीने के मिडिल में करता है तो कितना आएगा सर? 6 मंथ के लिए। अगर कोई भी पार्टनर हर महीने के एंड में करता है तो एवरेज मंथ कितना आएगा बेटा? 5.5 मंथ के लिए। अब सर हम कहां पर आ जाते हैं? वापस से सर अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये तो हमारा क्या था? कॉन्सेप्ट था सर। ये तो हमारा क्या था? कॉन्सेप्ट था। और कॉन्सेप्ट सर हमारा क्लियर है
कि आपने सब कुछ हमको क्या करा दिया है, क्लियर करा दिया है। क्या करा दिया है? क्लियर। देखो ध्यान से सुनो जरा, क्वेश्चन क्या था सर? कोई मोली और गोलू था, और मोली जो ड्राइंग करता था हर महीने के शुरू में करता था, और हम जानते हैं सर अगर हर महीने के शुरू में कर रहा है तो एवरेज मंथ क्या निकल के आएगा सर? 6.5 मंथ। क्या निकल के आएगा बेटा? 6.5 मंथ। तो हम क्या निकालते हैं उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, किसकी बेटा? मोली की। हम क्या निकाल रहे हैं बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और किसकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल रहे हैं? मोली की निकाल रहे हैं। तो हम जानते हैं बेटा कि उसने ड्रॉइंग कितनी करी है सर? पूरी 12,000 करी है, इनटू क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो और देख लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? ध्यान से देखो जरा सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको कैलकुलेट करना है 12% से। तो कितने से करना है बेटा? 12 क्या बेटा? 12 डिवाइड बाई 100 इनटू सर बिगिनिंग में 6.5 डिवाइड बाई 12। आती बात आपकी समझ में? सर ऐसी किसके निकालेंगे? सर गोलू की निकालेंगे। तो गोलू की क्या निकाल रहे हैं सर? गोलू की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं। सर उसने टोटल ड्राइंग कितनी करी है? 12,000 की करी है, डिवाइड। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12 है, और बेटा हर महीने के एंड में करी है, तो 5.5 डिवाइड बाई 12। ये कैलकुलेट करेंगे, दोनों कैलकुलेटर से करते हैं बेटा, जरा ध्यान से समझो। देखो कैलकुलेटर से करते हैं, कितना कितना आएगा जल्दी से कैलकुलेट करो जरा, ठीक है? जरा कैलकुलेट करते हैं सर दोनों को। देखो भाई बात आपको समझ में आ रही है ना भाई? यहां तक की बात आपको समझ आई है? इसे कैलकुलेट करते हैं, ये कितना हो गया बेटा? 0 से 0, 0 से 0, ठीक है? ये कितना हुआ? अगर हम सर इसमें क्या करें, कैलकुलेट करो भाई कैलकुलेटर से, 0 से 0, 0 से 0, देखते एक मिनट में करते हैं अभी। देखो सर क्या बोल रखा है, सर उसने बोला है कि मोली ने क्या करी है सर? 12,000 की ड्राइंग करी है, इनटू सर 12% से, डिवाइड बाई 100, और बेटा इनटू में क्या बोला है? 6.5। क्या बोला है सर? 6 एवरेज मंथ आ गया, 6.5 और डिवाइड बाई 12। तो कितना ड्रॉइंग करी है बेटा उसने? 780 रुपए की करी है। कितनी करी है बेटा? 780। सर ऐसी किसकी निकाल लेते हैं? गोलू की निकाल लेते हैं सर। 12,000 इनटू सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% डिवाइड बाई सर 100, डिवाइड बाई 100 इनटू सर उसने हर महीने के एंड में करी है, तो एवरेज मंथ 5.5 और डिवाइड बाई सर पूरी साल में कितने महीने होते हैं? 12, और इसने कितने की करी है बेटा? 660 रुपए की करी है। कितनी करी है? 660 रुपए की करी है। कितनी करी है बेटा? 660 रुपए की। आपको बात समझ में आई है? ठीक है सर, ये तो हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है सर, किसको देना है? सबसे पहले देंगे मोली को। क्या कहेंगे बेटा? मोली को। तो उसकी कैपिटल है कितनी सर, ये देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं सर? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा मोली की कैपिटल है 40,000, और गोलू की कितनी है? 20,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है बेटा? 10%। तो बेटा 40,000 और 20,000 का क्या करेंगे हम? इंटरेस्ट देंगे। तो बेटा मोली की है 40,000 कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10/100, तो इसकी कितनी हो गई सर? 4,000 हुई। और फिर गोलू की कितनी है बेटा? 20,000। गोलू की कितनी है? 20,000 कैपिटल है सर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 10/100, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी हुई सर? 2,000। सर हमारी दोनों बात निकल के आ गई। सर एक बात और रह गई है थोड़ी सी इसमें, कि उस किसी एक पार्टनर ने क्या दिया है? लोन दिया है, और अगस्त में दिया है। कब दिया है बेटा? अगस्त में दिया है। तो बेटा मैंने आपको बता रखा है कॉन्सेप्ट में कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्या बेटा? अगर क्वेश्चन साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, किसके बारे में बेटा? इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बेटा, हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हम तब भी क्या देंगे बेटा? इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, और कितने परसेंट से देंगे? 6% पर एनम से देंगे। कितने से देंगे बेटा? 6% पर एनम से देंगे। तो देख लेते हैं सर
लोन दिया किसने है, पहले ये देख लेते हैं कि लोन दिया किसने है। सर गोलू ने एडवांस में लोन दिया है 10,000 का, और कब दिया है, 1 अगस्त 2019 को दिया है। कब दिया है बेटा, 1 अगस्त को दिया है। तो सर हम पूरा क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, 10,000 × 6/12 क्या करेंगे बेटा, गोलू ने दिया है, किसने दिया है बेटा, लोन दिया है गोलू ने, गोलू का लोन दिया है, और कितना दिया है सर, 10,000 × 6/12 × अगस्त में दिया है। कब दिया है बेटा, अगस्त, अगस्त से बेटा फिर सीधे हो गए बेटा हमारे 8 महीने, कितने हुए 8/12। तो बिट काटते हैं, 6 × 12 4 टाइम, ये कितना होगा बेटा 6 टाइम, 2 टाइम ये हो गया 3 टाइम, और बेटा काटते हैं जरा, इतना हो गया 20, ये कितना हुआ 2 से काटो बेटा इसे 5000, ये कितना हो गया 10,000, ये कितना हो गया 10,000 डिवाइड बाई थ्री। तो बेटा उसकी क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालो बेटा, वो कितना हुआ सर, उसका लोन कितना था, उसका लोन था सर 10,000 लोन था इनटू कितने से 6% से डिवाइड बाई 100 और इनटू कितने महीने के लिए बेटा, अगस्त से निकाला है। अब अगस्त में देख लेते हैं 8/12, तो 8 / 12 कितना आ गया सर 400 रुपए आया, कितना आया 400 रुपए आया, कितना आया सर 400 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया सर उसका, ठीक है, आपके बात समझ में आई है आपको यहां तक। अब सर तीनों की हमने क्या निकाल ली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लिया। अब हम लास्ट में क्या बनाएंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बनाते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, देखो करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं सर। उसके बाद हम क्या मेंटेन करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सर उसको क्या दिया है, सबसे पहले दिया है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको दिया है सर, मोली कैपिटल अकाउंट, सर उसको दिया है 4,000 का, गोलू कैपिटल अकाउंट, सर उसे कितना दिया है 2,000 का, टोटल कितना हो गया 6,000। उसके बाद क्या करा है सर हमने, बाई सॉरी, अब देखो सर यहां पर लोन था तो हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन गोलू लोन, सर कितनी आई थी 400 रुपए, कितनी आई थी बेटा 400 रुपए। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, किस किस की आई बेटा, मोली मोली कैपिटल अकाउंट, और क्या बेटा, गोलू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देख लेते हैं सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कितना बैलेंस दे रखा है, क्या बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सर जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो हमको बैलेंस क्वेश्चन में कितना दे रखा है। भाई क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना, हर एक बात में आपको क्या बता रहा हूं बेटा, ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बेटा, ब्रीफली आपको हर एक बात खोल के बता रहा हूं। और सर प्रॉफिट हुआ था 20,950 का, क्या हुआ था सर, प्रॉफिट जो हुआ है ना 20,950 का हुआ है, कितने का हुआ है 20,950, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं सर 20,950 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 20,950। अगर सर इसमें से हम माइनस कर दें 400 रुपए, तो कितना आया बेटा 20,550।
400 किसका माइनस कराया है कि उसको सर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया था और किसको दिया था गोलू को दिया था ठीक है। अब क्या बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों की सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आएगी ये भी देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो बेटा कितनी आई थी सर मूली की आई थी 780 और गोलू की कितनी आई थी 660 उसकी आई थी सर 780 और उसकी 660 तो लिख देते हैं बेटा क्या लिखते हैं सर इसकी आई है 780 और इसकी 660 सर और कुछ तो बचा नहीं है। अब बैलेंस कर क्या करते हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्वेश्चन को बैलेंस करने के बाद ठीक है देखो करते हैं जरा भाई बात आपको समझ में आ रही है ना है भाई जीरो। अब देखो बेटा ये टोटल करो जरा ये कितना हो गया सर 20,550 में प्लस करना है हमको 780 तो एक करना है बेटा और 660 एक करना है ठीक है। तो बेटा ये हो गया जीरो ये कितना हुआ 8 और 5 कितना होता है बेटा 13 और 6 19 एक ये कितना हो गया बेटा 6 और 6 12 और 7 कितना हुआ बेटा 12 7 19 एक ये कितना हो गया बेटा ये कितना हुआ 21,990। अगर हम माइनस कर दें बेटा कितना 6,000 अगर सर हम 21,990 में से माइनस कर दें 6,000 तो 0,9,9,11 में से 6 गए तो बेटा कितना बचा 5 और ये कितना हुआ 15,990 कितना बचा बेटा 15,990। तो क्या करेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर क्या करेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कैसे करेंगे मोली कैपिटल अकाउंट कैसे करेंगे बेटा मोली कैपिटल अकाउंट और क्या करेंगे बेटा गोलू कैपिटल अकाउंट मूली कैपिटल अकाउंट और गोलू कैपिटल अकाउंट और इसको बांट देंगे बेटा 15,990 इंटू 3/5 और बेटा 15,990 इंटू 2/5 5 से काटो बेटा ये 3 टाइम्स और 5 बन जा 5 या कितना बचा 4 पानी 45 कितना बचा बेटा 4 पानू अट्ठे 40 अगर हम इसको बेटा डिवाइड कर रहे हैं 8 3 24 9 3 27 और 2 बेटा 29 2 3 1 3 और 2 5 और 3 3 9 इसका आएगा बेटा 9,594 कितना आएगा बेटा 9,594 अगर उसमें इंटू क्या करते हैं 2 कर दें 8 2 16 और 9 2 18 1 2 1 2 1 3 और 3 2 6 6,346 6,385 बेटा कितना आ गया 86 और टोटल कितना हुआ बेटा ये हमारा 15,990 तो ये कितना हुआ बेटा 21,990 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके समझ में आया है जल्दी से बोलो हाँ ना जल्दी बोल दो भाई सारे बच्चे बोलो एक बार जल्दी से हाँ ना सर हमको समझ में आ गया है यहां तक बातें हमको जितनी भी आपने समझाई हैं सारी बातें हमको समझ में आती हैं जल्दी बताओ भाई कमेंट कर दो एक बार भाई सारे बच्चे कमेंट करें बेटा सारिया ने कमेंट करो एक बार जितने भी क्लास में हैं ठीक है। अब देखो बेटा इसके बाद हमको क्या बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है क्या बनाना है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो सर बना लेते हैं नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसके बाद बनाना है हमको सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सर कौन कौन पार्टनर है सर हमारे पास दो पार्टनर है एक तो गोलू है एक मूली है एक क्या है बेटा हमारे पास गोलू है और एक क्या है मूली ठीक है सर ये कौन हुआ मूली हुआ ये गोलू हुआ ये कौन हुआ बेटा मूली एंड गोलू। अब सर ओपनिंग को क्या बनाएंगे क्लोजिंग बाई बैलेंस बीडी सर इसकी कितनी थी सर इसका था 40,000 और इसका कितना था बेटा 20,000 सर अब इसकी बात करेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और किस किस की बात हुई है बेटा केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरी बात किसकी हुई है शेयर इन प्रॉफिट शेयर इन प्रॉफिट ठीक है। फिर इधर क्या करेंगे बेटा टू इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात हुई है सर और उसके बाद क्या हुई है बेटा टू
ड्रॉइंग अकाउंट, ठीक है सर। उसने गोलू मूली ने कितना करा था सर ड्रॉइंग 12,000 करा था और इसने भी 12,000। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी थी देख लेते हैं सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देख लेते हैं, शेयर इन प्रॉफिट भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं सर बैलेंस करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं बैलेंस सर, सबसे पहले शेयर इन प्रॉफिट 9,594, 6,386, 9,594 कितना आया बेटा 9,594 और 6,386। उसके बाद सर क्या आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी आई है सर 4,000 और इसकी कितनी आई है 2,000 सर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सर, इसकी कितनी आई थी 780 और इसकी कितनी आई थी 660। अब इसको हम क्या करते हैं बेटा बैलेंस कर लेते हैं, क्या करेंगे बेटा इसको हम बैलेंस करेंगे, ठीक है बैलेंस करो भाई एक बार जल्दी से, जल्दी बेटा कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो भाई, ठीक है। अब देखो बेटा बैलेंस करते हैं 44 और 9 बेटा कितना होगा 53, 44 और 9 53,594 कितना हुआ बेटा 53,594 और ये कितना हुआ 20 और 2 22 और 6 28 28,386 ऐसे कितना आना है बेटा इधर 53,594 53,594 और बेटा ये कितना हुआ 28,386। अगर सर इसमें से हम माइनस कर दें 12,780 सर 53,594 में से अगर हम माइनस कर दें 12,780 तो कितना आएगा बेटा हमारा 4 आएगा, 9 में से 8 गए 1, 15 में से 7 गए तो बेटा कितना बचा 9 बचा, सॉरी 15 में से 7 गए तो कितना बचा 8 बचा बेटा या 0 बचा, और यह कितना बचा सर हमारा यहाँ 5 में से गए 4, 40,814 क्या आ जाएगा बेटा 2 वैलेंस सीडी कितना आएगा बेटा 40,814 ऐसी सर इसको माइनस कर देंगे 28,686 में से 12,660 माइनस करो बेटा 28,386 में से अगर हम 12,660 माइनस कर दें सर तो 6 2 13 में से 6 गए तो बेटा 7 यहाँ कितना बचा 7 में से 5 गए 2 और यहाँ कितना बचा बेटा 15,726। ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन आपको समझ में आया जल्दी से बोल दो एक बार हाँ या ना, ठीक है। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला जरा ध्यान से समझो, राकेश एंड रोशन आर पार्टनर सर, राकेश और रोशन दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 सर वो अपने प्रॉफिट को क्या करते हैं शेयर करते हैं किस रेशियो में 3:2 में विद कैपिटल ऑफ रुपीज 40,000 एंड 30,000 सर कैपिटल उसकी राकेश की है 40,000 और रोशन की कितनी है बेटा 30,000 रेस्पेक्टिवली, दे विड्रू फ्रॉम द फर्म द फॉलोइंग अमाउंट फॉर दियर पर्सनल यूज। वो क्या करते हैं सर ड्राइंग करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, कैसे करा बेटा राकेश ने करा है 31 मई 2019 को 600, 30 जून 2019 में 500, 31 अगस्त 2019 में 1,000, 1 नवंबर 2019 में 400, 31 दिसंबर 2019 में 1,500, 31 जनवरी 2020 में 300 बेटा और 1 मार्च 2020 में कितना करा है 700 और रोशन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 400 और बेटा रोशन क्या करता है हर महीने के बिगिनिंग में करता है कितना 400 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज सर हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है 6% पर एनम से, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर हमको क्या करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है कितने से 6% पर एनम से, अज्यूमिंग दैट बुक ऑफ अकाउंट आर क्लोज 31 मार्च 2017 और हम क्या करते हैं बेटा मान लेते हैं कि हर साल क्या हो रहा है बेटा जो हमारी बुक क्लोज हो रही है वो हर बार कब हो रही है 31 मार्च 2017 को हो रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर पहले हम रोशन की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर देते हैं, राकेश की सर थोड़ी सी क्या है लेंथी प्रोसेस है, पहले रोशन को खत्म करते हैं, किसको करते हैं बेटा रोशन की बात खत्म करते हैं, रोशन बेचारा है और बेचारे ने बेटा हल्के हाथ से काम निकाला है और कैसे निकाला है वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे बेटा और किसकी निकालेंगे रोशन की निकालेंगे, तो क्या कर रहे हैं बेटा हम सबसे
पहले रोशन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट रोशन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सर रोशन की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल रहे हैं, और कैसे निकाल रहे हैं सर, रोशन ने हर महीने के शुरू में 400 रुपए निकाले हैं, तो हम जानते हैं सर वहां पर क्या है, हम जानते हैं सर एवरेज मंथ आएगा, क्या आएगा बेटा एवरेज मंथ जो आएगा ना हर महीने के शुरू का कितना आता है बेटा 6.5 मंथ, और फिर उसके बाद हम क्या निकालते हैं सर उसकी टोटल ड्राइंग निकालते हैं, क्या निकालते हैं बेटा उसने टोटल ड्राइंग कितनी करी है, तो बेटा उसने हर महीने के शुरू में 400, तो 12 × 400 पूरी साल 12 × 48 कितना करा है बेटा 4800 उसने ड्राइंग करी है। अब क्या निकाल लेते हैं बेटा उसका फॉर्मूला लगा देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, किसका बेटा IOD इज इक्वल्स टू बेटा 4800 × रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कितना है 6/100 × 6.5/12 इसको 0 से 0, 0 से 0 ठीक है। अब देखो काटो जरा कैलकुलेट कर लेते हैं सर, क्या कर लेते हैं कैलकुलेटर कर लेते हैं, कैलकुलेटर कर लेते हैं जरा ध्यान से समझो कितना है बेटा उसका है 4800 × 6/100 और बेटा × 6.5 / 12 कितना आ गया बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसकी 156 आया सर, कितना आया बेटा 156 रुपए रोशन ने क्या करी है ड्राइंग करी है। अब सर रोशन की बात तो यही खत्म कर देते हैं, अब किसकी बात कर लेते हैं राकेश की बात कर लेते हैं, इसकी थोड़ी सी सर बड़ी सी बात है क्योंकि ये था सिंपल मेथड और उसका क्या है प्रोडक्ट मेथड है, क्या है बेटा उसका है प्रोडक्ट मेथड, किसका सर राकेश का। तो करते हैं सर दूसरा वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट में लिखेंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और बेटा किसकी कर रहे हैं राकेश की कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं बेटा राकेश, और सर उसका क्या है प्रोडक्ट मेथड की कहानी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सर डेट या ईयर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा डेट या ईयर, फिर उसने कितने अमाउंट से कब कब ड्रॉइंग करी है, फिर इसने बेटा टाइम कितना लिया है, फिर उसके बाद क्या है उसका टोटल प्रोडक्ट कितना है, क्या बेटा उसका टोटल प्रोडक्ट कितना है, और हम जानते हैं टोटल प्रोडक्ट क्या निकल के आता है अगर सर हम किसमें अमाउंट में क्या कर दें मल्टीप्लाई बाई कर दें टाइम से, तो क्या निकल के आ जाता है टोटल प्रोडक्ट निकल के आ जाता है। तो पहले सर हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं बेटा उसने कब कब कितनी ड्रॉइंग करी है राकेश ने, सर उसने पहली ड्रॉइंग करी है 31 मई 2000 देख लेते हैं सर कब करी है जरा देख लेते हैं, देखो बेटा पहली ड्राइंग कब करी है उसने बेटा पहली ड्राइंग करी है उसने ड्राइंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑन फॉर द डियर पर्सनल यूज राकेश 31 मई 2019 को कब करी है बेटा 31 मई 2019 को 600 करी है, 30 कब करी है बेटा 30 जून 2019 को 500, 31 मई और 30 जून कब करी है बेटा 600 और 500 ठीक है। तो सबसे पहले सर 31 मई कब करी है 31 मई को करी है और 2019 में करी है, फिर उसके बाद 30 जून कब करी है बेटा 30 जून 2019 में करी है, और कितनी कितनी करी है उसने बेटा ड्राइंग उसने करी है सर पहले करी है 600 और फिर करी है कितनी 500, सर उसने पहले करी है 600 की फिर उसके बाद कितनी की करी है बेटा 500 की करी है, फिर उसने बेटा कब ड्राइंग करी है उसने ड्राइंग करी है बेटा 31 अगस्त और 1 नवंबर क्या बेटा 31 अगस्त और 1 नवंबर सर 31 अगस्त को करी है 2019 और फिर 1 नवंबर को करी है बेटा 2019, इसने सर 1000 की करी है यहां पर और यहां पर कितनी की करी है 400 की करी है, कितनी करी है बेटा 400, आपके पास समझ में आती है नहीं जल्दी से बोलो ठीक है। फिर कब करिए बेटा 31 दिसंबर को करिए, कब करिए बेटा 31 दिसंबर के बाद 31 जनवरी को करिए ठीक है, तो इसके बाद सर 31 दिसंबर और फिर कब करिए बेटा 31 जनवरी 2019 और 2019, ये और देख लेते हैं सर कितनी कितनी करी है उसने सर 31 दिसंबर को करी है 1500 की और फिर करी है 300 की, तो इसने करी है बेटा 1500 की और फिर कब करी है 300 की, फिर उसके बाद सर और ड्राइंग करी है उसने लास्ट ड्राइंग है क्या है बेटा उसकी लास्ट ड्राइंग है और लास्ट ड्राइंग क्या है बेटा उसकी देख लेते हैं लास्ट ड्राइंग कितनी करी है बेटा उसने 1 मार्च कब करिए बेटा 1 मार्च को करिए, कब करिए 1 मार्च को 700 रुपए की 31 मार्च
31 मार्च 2020 कितने की करिए बेटा 700। ठीक है, अब हम क्या करते हैं सर, टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो मई से तो जरा कैलकुलेट करो, मई तो खत्म हो गया बेटा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सर कितने दिन की ड्राइंग करी है, 10 महीने की करी है। कब की करी है बेटा, 10 मंथ, फिर उसके बाद जून, फिर जून के बाद बेटा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, कितने की करी है बेटा, 9 महीने की करी है। फिर उसके बाद कब करी है बेटा उसने, 31 मई को करी है, कब करी है बेटा 31 मई, तो 31 मई से बेटा कितना हो गया 31 मई, सर ये तो हो गया ना 10 हो गया इसका, 31 अगस्त से करो वो कितनी करी है सर, 7 महीने की करी है। फिर 1 नवंबर से, ठीक है, नवंबर से लगाओ जरा, नवंबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने करिए बेटा, कितनी करी है 5 महीने की करी है। फिर उसके बाद 31 दिसंबर को करी है, तो जनवरी फरवरी मार्च सर 3 महीने की करी है। फिर 1 जनवरी को करी है, कब करी है बेटा 1 जनवरी, फिर 3 महीने की हुई है बेटा। फिर उसके बाद कब करी है 1 मार्च, फिर भरी है 1 महीने, ठीक है। अगर सर हम अमाउंट में इंटू कर दें टाइम से, तो क्या निकल के आ जाता है बेटा हमारा टोटल प्रोडक्ट, अगर बेटा ये हो गया तो ये कितना हुआ सर, 6000 रुपए हुआ, पानी में 4500 रुपए हुआ बेटा, और 7000 रुपए हुआ, लास्ट में बेटा 5×20 कितना हुआ सर, 2000 रुपए हुआ, उसके बाद 1535 रुपए हुआ बेटा, उसके बाद हुआ 3×3=9900 रुपए और 700। इसका क्या निकाल लेते हैं बेटा टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट निकालो बेटा 6 और 4 10, 10000 और 17 और 2 19, 19 और 4 बेटा कितना हो गया, 19 और 4 हो गया सर 23000, 23000, 23000 के बाद हो गया 24000 25, 25 हो गया बेटा 25, 25, 25, ठीक है। तो बेटा टोटल प्रोडक्ट हो गया तेरा 25300, कितना हुआ बेटा 25000, कितना हुआ बेटा 25300 हुआ हमारा टोटल प्रोडक्ट। और हम सर जानते हैं, क्या जानते हैं सर, हम जानते हैं कि वहां पर हमको क्या निकालनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है। तो फॉर्मूला होता है बेटा टोटल प्रोडक्ट, क्या होता है बेटा फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100, क्या होता है बेटा रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो बेटा इसको करते हैं, टोटल प्रोडक्ट कितना आया 25300, कितना आया बेटा इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं एक बार ध्यान से बेटा कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था बेटा हमारा 6%, कितना था रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा 6%, तो 6/100 इंटू 1/12, इसको करते हैं 0 से 0, 0 से 0, ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया सर 6 3 18 1 5 6 30 और 31 3 6 2 12 और 3 15 डिवाइड बाई बेटा कितना हो गया 12, कितना हुआ बेटा 12। इसको काटते हैं बेटा जरा ध्यान से समझो, जल्दी देखो एक बार, इसको काट लेते हैं, ठीक है, वो कितना होगा बेटा 126, कितना आया 126.5 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्वेश्चन आपके समझ में आया, जल्दी से बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो भाई, क्वेश्चन आपके समझ में आया है या नहीं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, इस क्लास का बेटा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 21 इस क्लास का क्या होगा बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हिमांशु विड्रो, सर कोई हिमांशु है जो कि ड्राइंग करता है रुपीज 2500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, सर हर महीने के एंड में करता है 2500। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सर हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 12% से। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन हिमांशु ड्राइंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। तो देखो बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं हम वर्किंग नोट में, कहां पर कैलकुलेट करते हैं बेटा वर्किंग नोट में करते हैं, ठीक है, वर्किंग नोट में क्या कर रहे हैं सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम जानते हैं कि सर उसने क्या करी है, ड्राइंग करी है और 2500 की हर महीने के एंड में, तो हम जानते हैं सर
कि सबसे पहले तो टोटल ड्राइंग निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी बेटा? टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग कैसे निकालेंगे सर? 2500 × 12 कितने की बेटा? 2500 × 12 तो ये कितना हो गया? जरा करते हैं सर, 2500 × 12 तो ये कितना हो गया? 0 0 5 2 10 1 2 2 4 5 × 0 0 5 2 ये हो गया 0 0 0 0 3 कितने की ड्राइंग करी है उसने सर? 30,000 की करी है, ठीक है। और बेटा हर महीने के एंड में करी है, तो हम जानते हैं सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने की करी है सर? 30,000 की ड्राइंग करी है, 12% से करी है, इंटू हर महीने के एंड क्या होता है बेटा? 5.5 / 12 ये कितना हो गया? 0 से 0 0 से 0 12 × 3 3600 कितना हुआ बेटा? 3600 × 5/12 तो ये कितना हो गया? 12 × 3 3600 कितना हुआ बेटा? 300 × 5.5 इसका करो जल्दी, 5 × 3 = 15 1500 ये हो गया बेटा 1650। एक बार सर कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं एक बार क्या कर लेते हैं सर कैलकुलेट कर लेते हैं क्या सही है या गलत। तो बेटा 300 × 5.5 हाँ 1650 कितना हुआ बेटा हमारा? 1650 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आंसर आ गया। बेटा आज की क्लास आपको समझ में आई या नहीं आई एक बार जल्दी से हाँ ना बोल दो तुम, ठीक है। देखो बेटा आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको बेटा लेक्चर नंबर 6 के साथ बहुत जल्दी, फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, गुड बाय, ठीक है।